नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हमारे चुनावी शो किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं अजीत जोगी और मायावती भी मैदान में हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों का ओपिनियन पोल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ों को मिलाकर बने छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। हर कोई अपनी जीत पक्की करने के लिए सियासी बिसात बिछा रहा है। 15 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठी बीजेपी के सामने जहां अपना किला बचा रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता का वनवास खत्म करने का सवाल है। तो वहीं अजीत जोगी और मायावती भी हम साथ साथ हैं वाली स्प्रिट के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से विधायक हैं। कांग्रेस ने राजनांदगांव से उनके खिलाफ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ी भूमिका निभाएगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 49 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए इस बार सरकार बनाना काफी मुश्किल होगा। 2019 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में जनता की अदालत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कड़ी परीक्षा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के वादे पर जनता सवाल पूछेगी, तो नेताओं को जवाब भी देना होगा। वहीं कांग्रेस की राह भी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राह तो किसी की भी आसान नहीं है, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, लेकिन जनता किस राह पर चलने वाली है, किसको वोट देने वाली है, यह सबसे अहम हो जाता है। और इसीलिए वहां छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। रायपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम बेताल मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। दुर्ग से वरिष्ठ पत्रकार यशवंत धोते हैं और जगदलपुर से वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा अंबिकापुर से वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का में। शुरूआत रायपुर से कर लेते हैं। श्याम बेताल जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल कैसा है, आपको क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक लहर की बात है, लहर किसी की नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी अभी तक भारी पड़ रही है और उसके बाद कांग्रेस है और उसके बाद हमारे योगी जी की पार्टी है, जनता दल योगी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इसमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो योगी जी की पार्टी है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस इस बार चाहते हुए भी, बहुत कुछ अच्छा करते हुए भी, पूरी मेहनत करते हुए भी, वो बीजेपी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मेहनत तो कर रही है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अजीत जोगी की पार्टी से उसको नुकसान हो रहा है, वो मेहनत जो है वो जीत में तब्दील हो जाए, इसकी गुंजाइश कम है। मनीष गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जगदलपुर की जनता किस पर भरोसा करने जा रही है, ये भी बताइएगा कि सूबे में कांग्रेस और बीजेपी कितनी मजबूत हैं आपके हिसाब से? देखिए, लहर जैसी तो कोई बात अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, पर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो जरूर सामने आ रहा है और लोग कहीं ना कहीं बदलाव की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पर जीतने हारने की जहां तक स्थिति है, वो तो अब मतदान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पर जो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी को भी अपना वजूद बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने के लिए उनको भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ बड़ा संगठन नहीं, कांग्रेस जो है सिस्टमैटिक चुनाव नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, कांग्रेस के पास सरकार बनाने के अच्छे अवसर हैं, पर कांग्रेस उसको कितना भुना पाएगी ये आने वाले समय में देखना होगा। यदि कांग्रेस सिस्टमैटिक चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार चौथी बार बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये मेहमान ये कह रहे हैं, अभी तक जिनसे हमने बात की है, कि
कांग्रेस के लिए वहां मौका तो है, लेकिन कांग्रेस उस मौके को भुना पाएगी इसकी तस्वीर अभी नहीं दिख रही है। कितनी मेहनत कांग्रेस कर पाएगी और अजीत जोगी फैक्टर को कितना कम कर पाएगी ये देखना होगा। रायपुर से यशवंत धोते भी हमारे साथ हैं। यशवंत जी, आपकी क्या राय है, क्या रमन सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या फिर अजीत जोगी इस बार खेल कर देंगे? देखिए, इस बार किसी भी पार्टी में लहर जैसी स्थिति दिख नहीं रही है। पिछले 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, तब भी वो चौथी बार के लिए संघर्ष कर रही है। वही 15 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो भी सत्ता वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें एक नई चीज जो देखने में आ रही है कि इस बार अजीत जोगी का पार्टी से बाहर होकर चुनाव लड़ना, बसपा के साथ गठबंधन बनना, जनता कांग्रेस का गठन होना और उसके साथ जो गठबंधन जो चुनाव में उतरा है, तो वो कुछ एक सीटों पे प्रदेश के 90 में से 12 से 15 सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में है। आप कह रहे हैं कुछ सीटों पर संघर्ष की स्थिति दिख रही है। सुधीर पांडे जी, आप अंबिकापुर में दर्शकों के लिए, वहां हवा का रुख किस तरफ है जरा ये बताइए, और ये भी बताइएगा कि वहां ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? अभी तो चुनाव का ये शुरुआती क्षण है, नामांकन की पूर्णता के पहले ही ये स्पष्ट कर पाना काफी दिक्कत का काम है कि अभी तक 15 किसका भागी रहेगा। निश्चित रूप से भाजपा पिछले 15 वर्षों से शासन कर रही है, उसको लेकर के एक सत्ता की जो इनकम्बेंसी होती है उसका फैक्टर लगभग हर क्षेत्र में दिख रहा है, मगर कांग्रेस की एकजुटता को लेकर लोग अभी भी संशय में पड़े हुए हैं कि नेतृत्व कौन करेगा, किस तरीके से नेतृत्व होगा। तीसरा फैक्टर जो भी कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दलों को लेकर के है, वो अलग अलग सीटों पे अपने इक्वेशन किस तरीके से तैयार करते हैं, कहां मजबूती से वो चुनाव लड़ते हैं, कहां वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं और कहां भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। श्याम बेताल जी भी हमारे साथ हैं। श्याम बेताल जी, कांग्रेस 15 सालों का वनवास वहां पर भोग रही है छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस का ये वनवास खत्म हो पाएगा और कांग्रेस और बीजेपी को आप कितनी सीटें दे रहे हैं अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त पर? तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी को 50-51 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष ने 65 सीटों का टारगेट दे रखा है, लेकिन 50-51 तक ये सिमट जाएंगे। हाँ, और जोगी कांग्रेस को भी ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, 5-1 सीटों पर ये अपने कैंडिडेट निकाल लें तो बहुत है। आपके हिसाब से सरकार जो है वो बीजेपी की बन जाएगी भले सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी? मनीष जी, इस बार अजीत जोगी और मायावती भी छत्तीसगढ़ में मजबूती से खड़े हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ये जोड़ी कांग्रेस और बीजेपी में से किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है क्या? इन जगहों पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मतलब एक थोड़ा सा एक ताकत बन करके सामने उभरी है। वहीं पर इन्होंने जो कम्युनिस्ट और बसपा से जो गठबंधन किया है, ये गठबंधन दक्षिण बस्तर की सीटों को प्रभावित करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीटों पर इन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव नतीजों को पर काफी बड़ा असर डालेगी। ठीक है, सुधीर जी के पास चलते हैं। सुधीर जी, आपके मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें आपको लग रहा है कि मिल पाएंगी और क्या आप बेताल जी के एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं कि शायद सीटें भले बीजेपी की कम हो जाएं लेकिन सरकार बीजेपी की ही बन जाएगी छत्तीसगढ़ में, आपको क्या लग रहा है? ओपिनियन पोल अगर सरगुजा संभाग को देखें, सरगुजा संभाग की 14 सीट को देखें तो पिछले बार 7-7 की सीटें थी भाजपा और कांग्रेस के पास। हमें लगता है कि लगभग यही स्थिति इस बार भी बनी रहेगी। अविभाजित सरगुजा को यदि हम देखें तो हमारा अनुमान है कि 6-2 या 7-1 की ही स्थिति बनी रहेगी, अभी तक की हालात से ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ को लेकर के यदि हम कहें तो लगभग पुरानी स्थितियां बरकरार हो सकती हैं अगर तीसरी ताकतें नहीं बढ़ी तो। ठीक है, तो आपके हिसाब से भी आपको ये लग रहा है
कि शायद बीजेपी सरकार वहां बचा लेगी छत्तीसगढ़ में। रायपुर से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिवेदी जी के बारे में आपको बताऊं कि वो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। सर, जरा ये बताइए कि आपके लिहाज से छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा रहने वाला है? डिसाइडिंग फैक्टर दो तरीके से होगा एंकर महोदय। पहला डिसाइडिंग फैक्टर ये कि छत्तीसगढ़ में 1,85,00,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,07,00,000 मतदाता वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 39 साल तक की है। इसमें 5,00,000 मतदाता वो हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 43,00,000 वोटर वो हैं जो 20 साल से 29 साल के हैं। इस नए वोटर के सामने जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो इनके सामने नए अवसरों की समस्या है, ये उसको तय करेगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 13 जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। लगभग 1/3 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाता ज्यादा है। पिछली बार 40 से अधिक मतदान क्षेत्रों में 80% से ऊपर मतदान हुआ था। अर्थात ये जो युवा मतदाता है, ये जो महिला मतदाता है, जो ज्यादा उत्साह के साथ आएंगी, बड़े पैमाने में वोट करेंगी, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति, इनकी जो आशाएं हैं उनकी पूर्ति की दिशा में कितना काम हुआ, ये बड़ी बात है, ये डिसाइड करेगी। तो मोटे तौर पर सबको यही लग रहा है कि अगर रमन सिंह सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना एक चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए इस बात की चुनौती है कि वो अजीत जोगी का जो फैक्टर है उसको किस तरीके से कम करे ताकि उसके वोट जो हैं वो बट ना जाएं, और अगर वोट नहीं बटेंगे तभी उसके लिए छत्तीसगढ़ में वनवास को खत्म करना और सत्ता में लौट पाना संभव हो पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करने के लिए और छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या हो सकती है ये बताने के लिए। किस्सा कुर्सी का मैं हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।